और आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे स्टॉक्स के वीडियोस बनाए हैं और बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स के जिनके अच्छे रिटर्न्स हैं, जो अच्छे फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, और कुछ ऐसे स्टॉक्स भी बताए हैं जिनसे आप दूर रहिए, ताकि वो जिनको कहते हैं बैड स्टॉक्स, जो रिटर्न नहीं देते हैं और आपका पैसा फंसा के रखते हैं। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और उन सब्सक्राइबर्स में बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि सर कोई एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाए जिसमें हम कुछ ऐसे स्टॉक्स हों जो मिक्स्ड हों, मतलब स्मॉल कैप भी हों, माइक्रो कैप कंपनीज़ भी हों और मिड भी हों, लार्ज कैप भी हों। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूँ कि शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूँगा कि मैं एक पोर्टफोलियो बना तो रहा हूँ, बट ये नहीं बता रहा इसमें कि आपको कितने स्टॉक्स लेने चाहिए, आप पे मैं छोड़ता हूँ। आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, कौन से स्टॉक्स की लेनी है, वो आप पे मैं छोड़ रहा हूँ। चाहे आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाना हो, तो मैंने स्टॉक्स के बारे में, उनके CMP के बारे में, सेक्टर के बारे में बता रहा हूँ अभी आपको। और एक और डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि ये मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ से, और मैं ऐसा आपको डायरेक्ट निवेश करने की सलाह नहीं देता। आप ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा कर लें, कोई भी स्टॉक्स लेने से पहले उसकी सलाह लें। आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने कुछ स्टॉक्स की लिस्ट यहाँ पे देखी बनाई है, 12 स्टॉक्स का मैंने सिलेक्शन किया है। 12 कंपनियाँ हैं, अलग अलग सेक्टर्स की हैं। हालांकि बहुत टफ हो जाता है क्योंकि बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ भी हैं और थोड़ी सी उनकी प्रीमियम बड़ी होती है, तो मुझे ऐसा ध्यान में रख के बनाना पड़ा ताकि छोटी जिनकी स्टॉक प्राइस हो और अच्छी कंपनीज़ हो, जिन पे आगे आपको अच्छा रिटर्न मिल सके और मल्टी बैगर साबित हो सके। मेनली क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां भाग चुकी हैं। अभी देखिए, जैसे इसमें मैंने IT सेक्टर का कोई भी स्टॉक नहीं बताया है, तो ऐसा नहीं कि ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट पोर्टफोलियो होगा जो मैंने आपको बना के बता रहा हूँ। अभी मैं लार्ज कैप की कंपनीज़ के भी बनाऊँगा, थोड़ा समय चाहिए होगा मुझे भी, क्योंकि बहुत दिमाग खपाना पड़ता है और हज़ारों लोगों को बताने से पहले बहुत सोचना भी पड़ता है कि, और मिड कैप की अलग बनाऊंगा, स्मॉल कैप की, माइक्रो कैप की, एक रिस्क एंड रिवॉर्ड पोर्टफोलियो भी बनाऊंगा मैं। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा मिक्स, जिससे मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं, आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले देखिए, मैंने रखा है अशोक लीलैंड को, ऑटो सेक्टर कंपनी है, अभी 95 रुपये पे इसका जो CMP है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है एज ऑन डेट सैटरडे 14 अप्रैल 2019 को। तो मैं ये पोर्टफोलियो एक साल के बाद रिव्यू भी करूँगा कि कितने स्टॉक्स प्रॉफिट में हैं या कितने माइनस में हैं। तो जनरली अलग अलग सेक्टर्स के, अलग अलग स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के, अलग अलग माइक्रो कैप कंपनीज़ के भी हम पोर्टफोलियो भी अगर डाइवर्सिफाई रखते हैं, तो क्या होता है कि मान लीजिए 3-4 स्टॉक्स नहीं चले, हो सकता है कि उन्हीं में से 3-4 इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन कर दें कि आपका पोर्टफोलियो जो लॉस में है वो प्रॉफिट में आ जाता है। तो यहाँ पे अशोक लीलैंड आज इसका जो भाव है ऑटो सेक्टर में, मुझे लगता है कि यही सबसे कम प्रीमियम का इस समय मुझे मिल रहा है। टाटा मोटर्स की तो अभी थोड़ी सी हालत ख़राब है, जब तक उसके फंडामेंटल अच्छे नहीं हो जाते, जब तक उसके जागुआर लैंड रोवर की समस्या नहीं सुलझ जाती चाइना और US का, जो ट्रेड वॉर चल रहा है सबको, आपको पता है, अगर आप थोड़ी सी भी मार्केट में, न्यूज़ में रुचि रखते हैं तो आपको पता ही है क्या चल रहा है। तो उनके थोड़े से उलझे पड़े हैं, तो वो स्टॉक्स में अभी पैसे लगाने की मैं फ़िलहाल सलाह नहीं देता। तो मुझे अभी अशोक लीलैंड, दिग्गज कंपनी, इतने कम प्राइस में मिल रही है, ये बहुत अपने हाई से काफ़ी लो पे मिल रही है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, हमें ज़रूर लगता है कभी बड़ी कंपनी अगर हमें छोटी प्राइस में दिखती है तो हमें लगता है कि हमारा मनी उछड़ जाता है। अभी जैसे एग्जांपल के लिए यस बैंक था, जब उसने लो मारा था 150 के करीब, 170 पे काफ़ी दिन तक मूवमेंट रहा उसका, 170 पे, आज देखिए 267 के भाव पे चल रहा है। तो उस समय पैनिक में लोग भाग रहे थे, बेच रहे थे, कोई ख़रीद नहीं रहा था। अच्छा, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू, फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरे चैनल का नाम ही है लॉन्ग टर्म शेयर्स, तो 5 साल तो मिनिमम आपको ये स्टॉक्स रखने पड़ेंगे, तब जाके मल्टी बैग, हो सकता है कि आपको 1 साल में भी मिल जाए रिटर्न, हो सकता है कि 6 महीने में मिल जाए, 1 साल में मिल जाए, 2 साल में मिल जाए, 3 साल में मिल जाए, लेकिन मिनिमम 5 साल तक तो आप होल्ड करिए। 10 साल, 15 साल, 20 साल आप रखते हैं, उस हिसाब से मैंने ये पोर्टफोलियो तैयार किया है आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि अगर आप 6 महीने बाद, हो सकता है कि इसमें कुछ स्टॉक्स पे, सेंसेक्स पे कोई जलजला आ जाए, अच्छे तूफान आ जाए, ऐसा कुछ न्यूज़ आ जाए, ऐसी कोई गवर्नमेंट पलट जाए, तो बहुत माइक्रो कैप कंपनी से दब जाती हैं।
तो वो तो काफ़ी टूट जाती हैं। तो ऐसे में आपको, सर आपने पोर्टफोलियो जो बताया था उसमें हमें बड़ा नुकसान हो रहा है अभी तो मैं यही फिर से डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कम से कम 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रहा हूँ, मैं 6 महीने या साल भर के हिसाब से नहीं बना रहा। हाँ, रिटर्न आपको 6 महीने साल भर में मिल जाए आपकी किस्मत, और ये कौन सा स्टॉक कितना रिटर्न दे देगा ये मार्केट में कोई भी नहीं बता सकता आपको, है ना। तो चलिए, तो ज़बरदस्त कंपनी अशोक लीलैंड, ज़रूर इसके कुछ स्टॉक्स ले लें आप। 100 लेना चाहें 100 ले लें, 10,000 के लेना चाहें 10,000 के ले लें, आप पे निर्भर है। सकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड ट्रेडिंग कंपनी है, और इन सारे जो ये स्टॉक्स मैंने बताए तो मैं अभी इनका पूरा फंडामेंटल इसलिए नहीं बताऊँगी, वीडियो बन जाएगा 1 घंटे का। लेकिन जो ये स्टॉक्स मैंने बताए हैं इनके जो लिंक्स हैं, क्योंकि इन पर मैं बना चुका हूँ वीडियो, तो इन वो मैं नीचे कमेंट वो उसमें दे दूंगा आपको, सारे लिंक्स रहेंगे। आप चाहें तो स्टॉक्स के पर्टिकुलर क्लिक करके आप पूरे वीडियोस के फंडामेंटल भी देख सकते हैं कि क्या पी है, क्या आरओसी है, आरओई है, कितना रिटर्न है, कितने वैल्यूएशन पे है, तो सब कुछ उपलब्ध होगा आपको। तो मैं इस पर सिर्फ आपको स्टॉक्स की सूची बता रहा हूँ। तो ट्रेडिंग से रिलेटेड कंपनी 32 रुपये पे चल रहा है। अच्छा, कुछ मैंने लमसम अमाउंट लिख रखी, जैसे कि 31 रुपये 90 पैसे के आसपास है, तो मैंने 32 रुपये कर दिया है। तो आप ऐसा एग्जैक्ट प्राइस मत सोचें कि मैंने नहीं बताया। ओरिएंट पेपर देखिए 34 रुपये के पास है, पेपर की ज़बरदस्त कंपनी है, बिरला हाउस की कंपनी है। और जमुना ऑटो इंडस्ट्री ऑटो एंसिलरीज की है, जो पार्ट्स वगैरह बनाते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो आने वाला फ्यूचर इन्हीं का भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाए तो भी इनके पार्ट्स तो लगने ही हैं। एक्साइड बैटरी है, एक्साइड बैटरी देखिए अभी तक नहीं चला है, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जब बैटरी की डिमांड बढ़ जाएगी, गाड़ियों में सब इलेक्ट्रिक कार्स हो जाएं, बसेस हो जाएं, तो जो बैटरी का सेक्टर है ज़बरदस्त भागेगा। इंश्योरेंस में भी है ये, और तो अभी तक ये भागा नहीं है, बहुत ज़्यादा रिटर्न इसने दिया नहीं है बना के, तो कभी भाग चले किसको क्या पता। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मुझे इसलिए अट्रैक्ट करता है क्योंकि इंश्योरेंस का बूम अभी आने वाला है, मैंने भी वीडियो बनाया हुआ, उसका लिंक भी मैं डालूंगा। तो आने वाले समय में 10 साल में 15 साल में 5 साल में हो सकता है कि ये कंपनी आपको कई कई हज़ार रिटर्न दे दे, मेरी ऐसी ख्वाहिश है। किलिश ड्रग्स ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मा में आपको पता ही है कि सन फार्मा में क्या हालत ख़राब है, बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनियों की पोजीशन टाइट है। लुपिन हो, लुपिन वो भी अट्रैक्टिव, लेकिन थोड़ा सा उसका प्रीमियम ज़्यादा था, इसलिए मैंने मुझे भी ये भी बहुत ज़बरदस्त लगा। मैंने आपको बताया कि अभी फार्मा में जब चलना शुरू हो गए तो फिर ये ज़बरदस्त कमाई करवा के देगी। भगेरिया इंडस्ट्री केमिकल की इंडस्ट्री, केमिकल बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया और आने वाले समय भी अच्छा आपको रिटर्न देगा। अच्छा, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड मैंने क्यों लिखा, NBFCs की बहुत सारी कंपनियाँ हैं, मन्नापुरम फाइनेंस मुझे अट्रैक्ट करता है, बजाज फाइनेंस भी ज़बरदस्त अट्रैक्ट करता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी जो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और ऐसी बहुत ख़राब कंपनी इतने सालों से इतना अच्छा रिटर्न बना के दिया था, अब 1 साल से मानता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त टूटी है, 77% करीब टूट गई थी, तो उस लिहाज से मैंने इसको रखा है कि आने वाले समय में बूम फिर से बाउंस बैक करेगा, तो लंबे समय के लिए हो सकता है कि आपको ज़बरदस्त कमा के दे। IT सेक्टर में जो इसके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आशीर्वाद आटा, बिस्किट्स वगैरह, तंबाकू सिगरेट वगैरह भी बनाती है, अभी तो ये चला ही नहीं, आपको रिटर्न तो दिया ही नहीं दबा के, हालांकि डिविडेंड वगैरह ये ज़बरदस्त देती है। तो मुझे लगता है जैसे ब्रिटानिया ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, HUL, डाबर, ये सब कंपनियाँ जो भाग रही हैं, ये तो अभी चला ही नहीं, हो सकता है कि आने वाले समय मल्टीबैगर हो जाए। येस बैंक ने पिछले 10 सालों में भी ज़बरदस्त 2000% के आसपास रिटर्न दिया है, और आगे आने वाले समय में भी देगी। थोड़ा मैनेजमेंट में प्रॉब्लम थी, अब देखिए कैसे भाग रहा है। SPL इंडस्ट्री टेक्सटाइल से रिलेटेड है, छोटा प्राइस का स्टॉक लेकिन काफ़ी मुझे अट्रैक्ट करता है। आपने पेज इंडस्ट्री के बारे में सुना होगा, जॉकी जो अंडरवियर ब्रांड्स बनाते हैं, आज वो कहाँ पहुँच गई, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो इस तरीके से मैंने 12 स्टॉक्स की लिस्ट आपके सामने पेश किया है, और ये आप पे मैं छोड़ता हूँ कि आप कितने लीजिए। कुछ लोगों का होता है कि 50,000 का पोर्टफोलियो होता है, तो आप एडजस्ट कर लीजिए ये जो प्राइस चल रही है आज की तारीख में, उस हिसाब से कुछ कुछ आप चाहें तो इनमें से जो, मैं नहीं कह रहा कि 12 के 12 आप लीजिए, हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी पहले से किसी कंपनी इसके हों, एग्जिस्ट कर रहे हों, तो उनको अवॉइड करिए, और फिर इस तरीके से आप जो मन पसंदीदा आपको लगे इनमें से ले सकते हैं। लेकिन ये मल्टीबैगर के हो सकते हैं, मैं बताता हूँ। जब ऑटो सेक्टर चलना शुरू होगा तो अशोक लीलैंड भी ज़बरदस्त रिटर्न देगा, दिग्गज कंपनी है। सकुमा एक्सपोर्ट के तो पहले ही बहुत ज़बरदस्त दे चुकी है, और इनका काम क्या होता है भाई, आपसे हमने माल लिया और फॉरेन में बेच दिया, हमें इतना मुनाफा हो गया, मार्जिन मिला, और कंपनियाँ ज़बरदस्त रिटर्न देती हैं, कभी भी आपको लॉस में नहीं, मतलब मैंने जो इसका रिटर्न देखा, आप वीडियो बनाया हूँ, मैंने लिंक डालूंगा, आप देखिएगा।
और ओरिएंट पेपर, ये भी ज़बरदस्त छोटी प्राइस का है लेकिन आने वाले समय में पेपर में ज़बरदस्त कंपनी है ये। जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज़ है, ये भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया और आने वाले समय में भी देगी। तो इस तरीके से ये जैसे एक्साइड बैटरी, इंश्योरेंस कंपनी, फार्मास्यूटिकल, भगेरिया केमिकल, और मैंने दो तीन और सेक्टर हैं जिनके बारे में नहीं अभी आपसे चर्चा की, यहाँ पे स्टॉक नहीं बताया, जैसे पावर सेक्टर का कोई भी मैंने नहीं रखा अभी, और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई नहीं, क्योंकि अभी ये इनका बूम 10 साल पहले ज़बरदस्त था, अभी फ़िलहाल मुझे अट्रैक्ट नहीं करता है। आने वाले समय में हो सकता है कि कोई अच्छी कंपनी होगी तो मैं बताऊंगा, मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि मुझे कोई उन पर कर्ज़ा बहुत था। और तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप अपने हिसाब से इनमें से देख लीजिए, जो भी स्टॉक्स आपको इनमें लगे मैंने बेस्ट चूज़ करके लाया हूँ, और भी मैं आगे बनाता रहूँगा लार्ज कंपनी के, दिग्गज कंपनियों के, क्योंकि ये जो स्टॉक्स मैंने अभी रखा है तो जिनकी उम्र कम है, जैसे कोई 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, वो लोग बिंदास थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं कि 15-20 साल का, लेकिन मैं एक ऐसा भी पोर्टफोलियो बनाऊंगा जो ऑलरेडी 40 पार हैं, जो 45 पार हैं, जो 50 पार हैं, वो ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले नहीं सकते, तो उनके लिए मैं दिग्गज कंपनियाँ लाऊंगा और लार्ज कैप की कंपनीज होंगी, उनमें कम रिटर्न मिलेगा लेकिन सॉलिड रिटर्न मिलेगा, वो नीचे कम जाएंगी और अच्छा रिटर्न। हालांकि मैं आपसे कह दूं कि चाहे जो भी गवर्नमेंट आए, आने वाले 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है हमारे और आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जो शेयर मार्केट में है, तो ध्यान से अपने पैसे का सही इस्तेमाल करें, कभी पूरा पैसा मत डालें एक साथ, कभी पूरे एक स्टॉक में मत डालें, कभी पूरे एक सेक्टर में मत डालें, हमेशा कैश कैश बचा के रखें। कभी भी अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल जाती है, दिग्गज कंपनियां कभी कभी बुरी तरह न्यूज़ मैनेजमेंट को लेके, किसी कभी कभी क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो टूट जाती हैं, तो उस समय भरने का मौका होना चाहिए आपके पास कैश। तो चलिए, मैंने आपको लगता है कि काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं, और प्राइस वाला एक मैंने बनाऊंगा कभी, लेकिन फ़िलहाल अभी ये छोटी प्राइस के ही सारे स्टॉक्स हैं और दिग्गज कंपनियां हैं, अच्छे रिटर्न बना के देंगी, माइक्रो कैप भी हैं इसमें, स्मॉल कैप भी हैं, मिड कैप भी हैं, लार्ज कैप भी हैं। तो यहीं पे मैं वीडियो वाइंड अप करता हूँ, और फिर से मैं डिस्क्लेमर कर रहा हूँ कि ये मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप अपने फाइनेंशियल से ज़रूर मशवरा करें कोई भी स्टॉक लेने से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।